तो आइए जानते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शुरुआत करता हूं मेष राशि से। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, सूर्य का धनु राशि के अंदर प्रवेश करना, संचार करना, गोचर में आना, मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए बहुत ही शुभ समय रहेगा। सूर्य आपकी राशि से नवे भाव में गोचर करेगा। सूर्य के शुभ प्रभाव से जहां आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, एक नई पहचान आपको मिलेगी। मीडिया से जुड़े हुए जो हमारे दर्शक हैं उनका भाग्योदय हो सकता है, भाग्य का साथ मिलेगा। इस अवधि के अंदर पूर्ण में किए गए जितने भी आपके अच्छे कार्य हैं उनका फल मिलेगा, जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। उच्च शिक्षा के संबंध में कोई नई योजना बन सकती है, विदेश यात्रा का भी गमन हो सकता है। उपाय के तौर पे जान लेते हैं कि आपको क्या करना है। तो ग्रहों की शुभता को प्राप्त करने के लिए, जरूरतमंदों को ठंड से बचने के लिए रजाई का दान कीजिएगा। सूर्य का गोचर जो परिवर्तन है, राशि जो परिवर्तन है, शुभ परिणाम देगा। अगली जो राशि वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, सूर्य के धनु राशि में संचार करने के दौरान सूर्य आपकी राशि से आठवें स्थान पर संचार करेगा, जो ना तो बहुत अच्छा ना ही बहुत बुरा फल देगा। हाँ, निश्चित तौर पे जितना हार्डवर्क आप करेंगे, जितनी मेहनत आप करेंगे, उतनी मेहनत उतने हार्डवर्क का आपको फल मिलेगा, लेकिन उतना ही जितना आप करेंगे। फैमिली मैटर्स के लिहाज से ये जो समय है, अगले दो महीने जो है, ये थोड़े से फ्लक्चुएशन वाले हो सकते हैं, उतार चढ़ाव आ सकता है, तो विवादों से बचने का प्रयास कीजिएगा। अध्यात्म, ध्यान और प्राणायाम में अपनी रुचि को बढ़ाइएगा। खुद की, परिवारजनों की सेहत में थोड़ी गिरावट की संभावना है, इसलिए ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है? ग्रहों की शुभता को प्राप्त करने के लिए अपाहिज व्यक्तियों को या किसी भी एक अपाहिज व्यक्ति को इन दो महीनों के अंदर वैसाखियों का दान कर देना। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर यशमान वैभव प्रदान करेंगे। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, भगवान सूर्य जो है धनु राशि में संचार करेंगे। सूर्य के इस गोचर के दौरान आपकी राशि से सूर्य भगवान सातवें भाव में होंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव सिचुएशन नहीं कही जा सकती है, शुभ स्थिति नहीं कह सकते हैं। निश्चित तौर पर पारिवारिक अशांति, कलह कलेश का सामना करना पड़ सकता है। फैमिली मैटर्स में देयर विल बी लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस। वर्किंग सेक्टर में भी कुछ ना कुछ विवाद, परेशानियां ये सामने आ सकती है। तो आपको करना क्या है? तो अनावश्यक किसी से उलझना नहीं है, और हेल्थ सेक्टर के प्रति आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। उपाय क्या करना है? ग्रहों की शुभता को प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन वृद्ध लोग अगर दिख जाए, या ऐसे भूखे प्यासे जो लोग हों, जरूरतमंद जिसको मैं कहता हूं, कभी कभी आप घर में बड़े शौक से खाते हैं मक्के की रोटी, सरसों का साग, तो एक बार घर में तो आप खाते हैं, वो तो अति उत्तम है, बाहर बेचारे जो जरूरतमंद है उनको मक्के की रोटी और सरसों का साग खिला दीजिएगा। सूर्य का राशि परिवर्तन का प्रभाव अशुभ अगर है